मेवात जिले के पुनहाना पीसरू गांव में मनरेगा के कार्य में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गांव के निवर्तमान सरपंच व संबंधित अधिकारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां पिछले दिनों गांव में मनरेगा के तहत कागजों में बनाए गए पशु कैटल शेडों में लोकपाल द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुनहाना के BDPO ABPO JSTO ग्राम सचिव फर मालिक व सरपंच को फर्जी मनरेगा कार्यों में संलिप्त होने पर 6,53,710 रुपये की रिकवरी के आदेश दिए थे, तो वहीं गांव के अन्य 16 मामलों की जांच पूरी होने से पहले ही संबंधित सरपंच एवं अधिकारी खाना पूर्ति के लिए कार्य को पूरा कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2020-21 में जिस रास्ते का निर्माण केवल काकचों में कर करीब 10,45,000 रुपये का घोटाला निवर्तमान सरपंच व पंचायत अधिकारियों ने किया था, अब उस रास्ते पर जांच के डर से भ्रष्ट अधिकारियों ने बीती रात्रि को मलबा डलवाया गया। जब शिकायतकर्ताओं की इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर जाकर ट्रैक्टर चालकों से मलबा नहीं डालने की चेतावनी देते हुए उन्हें भगा दिया गया। इस बारे में लोकपाल सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत भी दी गई है। बता दें कि गांव बीसरू निवासी जंगशेष नंबरदार ने बताया है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। इस बारे में उन्होंने मनरेगा लोकपाल के पास 17 कार्यों की जांच कराने और कार्रवाई कराने की शिकायत दी है। उन शिकायतों की फिलहाल जांच की जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने मांग की है कि पुनाना के BDPO ABPO JSTO ग्राम सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गोलमाल राशि को वसूला जाए। कुल मिलाकर क्षेत्र में मनरेगा के कार्यों में हुए घोटालों की पूरी जांच पारदर्शी तरीके से हुई तो दर्जनों संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। आप देख रहे हैं पुनहाना से रांची प्रजापति की रिपोर्ट। मुबीन मुबीन कौन सा गांव? ये गांव बीसरू खेड़े पे से। बताओ मुबीन जी, रास्ते नाम? रात में भाई हमें पता नहीं है किस लिए हुआ है, रात में आए थे ट्रैक्टर और वह रात माल डाल के चले गए। कितने ट्रैक्टर माल डाला है यहाँ पे? सिर्फ 2 ट्रैक्टर आए हैं। तो क्या लगता है आपको, इस तरह से रात में कभी काम होते हैं और इस तरह से काम किया है, क्या क्यों काम किया होगा वैसे? भाई हमें तो ऐसा है जी, कोई पता हमें कुछ पता भी नहीं है जी, कौन डाल के गया कौन नहीं डाल के गया। हम जब गए थे ये क्या हो रहा है, मड़बा डल रहा है, जब इधर हम गए थे वह फिर भाग गए, हमें यही पता नहीं है किसने डाला किसने नहीं डाला। तो अभी पता लगता है? नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है जी, नॉलेज होती तो हम बता भी देते। मैं भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंगशेर है। कहाँ अभी आप? मैं बीसरू गांव का, हमारा खेड़ा है फरदड़ी और बीसरू के बीच में, जो इस रास्ते के लिए कुछ पैसे आए थे, जो जब से खेड़ा बसात तक यहाँ का ये रास्ता बना ही नहीं है, उसके बाद पैसे आए थे पहली बार और उसको भी सरपंच निकाल के खा गया। 10,45,000 रुपये आए थे इसके। कितने? नरेगा से काम हुआ था, नरेगा स्कीम से। ये काम कब किया था उन्होंने? ये काम 2020-21 का है। तो अभी आप आए हो, शिकायत आपने कहीं लगाई इसको लेकर? हमने इसकी शिकायत करा रखी थी लोकपाल का, वहाँ हमारी जांच चल रही थी, जो कि हमने काफ़ी और भी चीज़ें हैं उसमें जोड़ हैं, कैटल शेड वगैरह, तो कैटल शेड की रिकवरी डल चुकी है। उसके बाद दूसरी जांच इस रास्ते की चल रही थी, तो इसमें रात 6 तारीख को 6 महीना में इन्होंने रात 11 बजे 11:30 बजे यहाँ मलबा डालना शुरू कर दिया, रास्ते को जो है बना दिखाने के चक्कर में। अच्छा, तो करीब कितना जो है माल इसमें डाला होगा लोगों ने? इसमें सिर्फ 2 ट्रॉली मलबा लाए हैं अभी, वो फिर गाँव वालों ने विरोध कर दिया। तो ये रात में क्यों डाला उन्होंने? वो इनकी जांच आ रही है, यहाँ अधिकारी आने वाले थे 1-2 दिन, हमारी 8 तारीख की डेट लगी हुई थी, तो उसकी वजह से इन्होंने जांच को प्रभावित करने के लिए जो है काम, जांच प्रभावित करने के लिए इन्होंने हर तरह के कदम अपना रहे हैं, हर तरह से हमें दिक्कतें आ रही हैं, बाकी फिर भी हम पूरा जोर जांच का सामना करेंगे और जांच कराएंगे, फैक्ट जांच कराएंगे एकदम से जायजे। तो अभी क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी यही मांग है, जो यहाँ पे इन्होंने पैसा निकाला इस रास्ते का, ये रास्ता बनाया जाए दोबारा से अच्छे तरीके से, 10,45,000 रुपये वो लगाए जाएँ और इस पर जितने दिन से उन पैसों को बरत रहा विद इंटरेस्ट के, इस पर जुर्माना किया जाए, दंड किया जाए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस तरह से कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम इसकी हमारी जांच चल रही है लोकपाल जी के वहाँ, और हम मालिक ने चाहे तो लोगों का हक दिला के रहेंगे। क्या नाम भैया? साजिद। कौन सा ये गांव, कहाँ रहे हो? गांव बीसरू खेड़ा। खेड़ा बताओगे, जो इसमें मलबा डाला है कब डाला था मलबा? ये कल रात में डाला जी, 2 ट्रैक्टर आए हैं जी, कल रात में 11:30 बजे डाल के गए हैं जी। रात में क्यों डाला?
ये तो इस रात के हमें मालूम नहीं, जो तो रात में डाल के नहीं तुरंत चले गए वो था। क्या चाहते हो किस तरह से ये रास्ता बढ़िया बनना चाहिए जी? तो जांच होनी चाहिए, हाँ जांच होनी चाहिए इसकी पूरी। उस्मान है जी। कौन सा गांव है ये? खेड़ा बेसरो है जी। बताओ कि जो इसमें ये रोड वगैरह डले हैं रास्ते पे, कहां से रास्ता जा रहा है, कहां से कहां तक जाएगा रास्ता? इसमें रात में रोड डाल गए हैं ये। कितने बजे की बात है? 11:30 की बात है। जब यहीं से हम चले तो रोड डाल के भाग गए गिर के। रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है ये? रास्ता जी सड़क पर पार हो रहा है, मतलब खेड़ा गांव से सड़क खेड़ा गांव से सड़क पर पार हो रहा है। रात में क्यों उन्होंने जो है रोड डाला, इसका क्यों माल डाला है, पता लग पाया कुछ? रात में इसके जी घोटाला कर रखा है इसमें, इसने काफ़ी दिना से बना दिखा रखा है इसने, इसके पैसे सरपंच लेके नहीं खा गया, खा के नहीं वो फिर भाई। तो क्या कार्रवाई चाहते हो? हम इसकी पूरी कार्रवाई चाहते हैं भाई, इसका ये बनना चाहिए, जाँच होनी चाहिए इसकी।